अनारकली ऑफ आरा एक विमेन ओरिएंटेड फिल्म है। ये कहानी है एक महिला के आत्मसम्मान की, फिर चाहे वो एक कामकाजी महिला हो या फिर एक नौटंकी कलाकार अनारकली। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वे कुछ भी कर सकती हैं। यह फिल्म एक संदेश है उन लोगों के लिए जो महिलाओं को अपने पांव की जूती समझते हैं। दो वक्त की रोटी कमाने निकली हर महिला ना तो कमजोर है और ना ही बिकाऊ। पहले हमको छेड़े हैं, सबके सामने मारे हैं और फिर धमकी भिजवाएं। आरा की अनारकली एक जाबाज नौटंकी कलाकार है जिसके ठुमकों पर पूरा पूर्वांचल ठुमकता है। तो क्या हुआ अगर वो एक नौटंकी कलाकार है? क्या उसे इस पुरुष प्रधान समाज में अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का कोई हक नहीं? ये फिल्म आरा के माध्यम से हर उस महिला कलाकार के संघर्ष की कहानी है जो नाच गाकर अपना जीवन यापन करती हैं। अनारकली के रोल में स्वरा भास्कर एकदम सटीक लगती हैं। संजय मिश्रा एक कॉमिक विलेन की भूमिका में है जो इस किरदार में पूरी जान फूंकने की कोशिश करते हैं। पंकज त्रिपाठी एक सह कलाकार हैं, बावजूद इसके वो एक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। अविनाश दास इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे हैं। भले ही ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास धमाल ना मचा पाए, लेकिन फिल्म आलोचकों की उम्मीदों पर ये खरा जरूर उतरेगी।